अस्सलाम वालेकुम। टू का पार्ट थ्री, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन टू राइट एंगल। तो टू राइट एंगल के कितने मिनट्स पढ़ने हैं वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए सब हमें पता है कि वन राइट एंगल 90 के इक्वल होता है, तो टू राइट एंगल कितने आ जाएंगे 180। 180 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम सबसे पहले पेज पर लिखते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास टू राइट एंगल जो हैं वो हम गिवन है, वो हमने फाइंड करने हैं, लेकिन किस में फाइंड करने हैं, इन मिनट्स। कहाँ, किस में फाइंड करने हैं, मिनट्स की फॉर्म में फाइंड करने हैं। तो अब हमें पता है कि वन राइट एंगल जो है कितना राइट एंगल, वन ये एंगल का सिंबल, इसके ऊपर आर टी लिखते हैं तो ये बन जाता है वन राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें कितने चाहिए, टू राइट एंगल, हमें कितने चाहिए, टू राइट एंगल। तो टू राइट एंगल तो इधर भी टू आ गया, उधर भी टू से मल्टीप्लाई कर दो 90 को, तो 90 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो हमारे पास 180 आ जाएगा। वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, और ये आ गया 2 राइट एंगल डिग्री में, लेकिन हमें किस में चाहिए, मिनट्स में। तो मिनट्स में लाने के लिए सिंपल तरीका होता है कि 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो और सिंबल जो है वो फिर लग जाएगा मिनट का। मिनट का सिंबल लगाते हैं तो ब्रैकेट के ऊपर एक लाइन लगाते हैं, ये मतलब कम डैश का सिंबल, इसको कहते हैं मिनट। तो अब ये टू राइट एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 108, उसके बाद 00 और उसके बाद ऊपर मिनट, तो ये मिनट का सिंबल है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मिनट्स फाइंड करने थे टू राइट एंगल के। होप के जो हमने तरीका आप लोगों को करवाया है समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।